काशी में हुए बस हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता एक बार फिर से नजर आई। अपने प्रदेश के पन्ना जिले के तीर्थयात्रियों के साथ हादसे के बाद सीएम पूरी रात जागते रहे। सीएम आधी रात को देहरादून पहुंचे और वहां उन्होंने पूरी रात कंट्रोल रूम में बिताई। देर रात को ही परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी गई। सुबह सुबह सीएम घटनास्थल पर भी पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें रविवार और सोमवार की दरमियानी रात की हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैसे ही मध्य प्रदेश के यात्रियों के साथ उत्तराखंड में हुए बस हादसे की दर्दनाक खबर लगी, तब से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इमरजेंसी वॉरियर्स की तरह सक्रिय हो रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से चर्चा की। रात में करीब 11:30 बजे देहरादून के लिए हुए रवाना। देहरादून पहुंचते ही देर रात अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की। उत्तराखंड हादसे में मृतकों के परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता। सुबह सुबह घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री ने पन्ना जिले के हादसे में दिवंगत हुए सभी तीर्थयात्रियों के परिजनों के साथ संवेदना प्रकट की। सीएम ने कहा कि घायलों की हर संभव सहायता की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उत्तराखंड बस हादसा बहुत भयानक, दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक है। हमारे पन्ना के भाई बहन चार धाम की यात्रा पर गए थे, उनकी बस खाई में गिर गई और तीर्थ यात्रियों की दुखद मृत्यु हो गई। सरकार पीड़ितों को हर संभव सहायता देगी। चार लोग घायल हैं, उनमें एक तो ड्राइवर ही है। रात को मैक्स अस्पताल में भर्ती है। मैं रात को मैक्स अस्पताल गया था, घायलों से मैंने बातचीत की। डॉक्टरों की टीम पूरी मुस्तैदी से घायलों के इलाज में लगी हुई है। ड्राइवर ने जो बताया, क्योंकि ड्राइवर बच गए हैं, कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण पहले उसने कोशिश की कि पहाड़ से टकरा के गाड़ी रोकने का प्रयास करे, लेकिन टकरा के वो नीचे खाई में गिर गई। तीन मध्य प्रदेश के घायल हैं तीर्थयात्री, उनका इलाज जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। हमने ये भी तय किया कि जो मृतक परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए की, मृतकों के परिवारों को राहत की राशि दी जाएगी। 50,000 रुपए की गंभीर घायलों को राशि भी देंगे और उनका इलाज भी निःशुल्क हो जाए, इसका इंतजाम भी करेंगे। उत्तराखंड बस हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत की खबर है। ये सभी पन्ना जिले के रहने वाले हैं। सीएम लगातार घायलों को हर संभव मदद करने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। मुश्किल वक्त में अपने सूबे के लोगों के साथ हर वक्त खड़ा होना ही मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को दूसरे राजनेताओं से अलग बनाता है। अनुराग मालवी, INH 24/7, भोपाल।